पंजाब विश्वविद्यालय छात्र परिषद के नव निर्वाचित अध्यक्ष जतेंद्र सिंह पंजाब विश्वविद्यालय के अन्य छात्र छात्राओं के साथ आज राजीव गांधी कांग्रेस भवन में चंडीगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष एच एस लक्की और चंडीगढ़ कांग्रेस के अन्य नेतृत्व को हाल ही में संपन्न विश्वविद्यालय चुनावों में उनके समर्थन के लिए धन्यवाद देने आए। अध्यक्ष एच एस लक्की ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष का स्वागत करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी की छात्र इकाई NSUI की जीत ने साबित कर दिया है कि देश के युवा कांग्रेस पार्टी के साथ है, क्योंकि पंजाब विश्वविद्यालय में मतदाता सभी राज्यों से आते हैं। रुझान से साफ पता चलता है कि युवा बीजेपी से तंग आ चुके हैं, जिसकी छात्र इकाई AVVP तीसरे नंबर पर रही। उन्होंने आगे कहा कि यह जीत क्षेत्र में एक बड़ा संदेश देगी, क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी इस क्षेत्र में प्रमुख स्थान रखती है। यहाँ तक कि आपकी छात्र शाखा भी अपेक्षित समर्थन नहीं जुटा सकी, जबकि उनके मौजूदा मंत्रियों और पंजाब से आने वाले विधायकों ने विश्वविद्यालय चुनावों में अपना पूरा प्रयास किया था। इसमें सारे जने एक बार जोरदार ताली देते हैं। एक जोरदार ताली पूरी NSUI की लीडरशिप के लिए, यूथ कांग्रेस की लीडरशिप के लिए और सारी कांग्रेस के लिए। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। और मैं आपको श्योर करना चाहता हूं, पूरी यूथ कांग्रेस NSUI और कांग्रेस की लीडरशिप बैठी है, हम सब यूनाइटेड होकर चलेंगे। यूनिवर्सिटी में भी जो आपने मैनिफेस्टो बनाया है उसको पूरा करने के लिए जी जान लगा देंगे। और दूसरी बात, जो चुनाव है लोकसभा का 2024 का, हम सब अगर इसी तरह से मिलकर लड़ेंगे, ट्रेंड आपको पता चल गया है, ट्रेंड कांग्रेस और राहुल गांधी की फेवर में है। जतिन जैसे होनहार साथी ने हमारी उस विक्ट्री को और आसान बनाया अपनी मेहनत के साथ। सिकंदर बूरा पिछले साल भी, मनीष बूरा इनके छोटे भाई, हाईएस्ट मार्जिन लेकर ज्वाइंट सेक्रेटरी बने थे। शुभ सेखो जैसे साथी बहुत मेहनत भी करी, हमें लास्ट मोमेंट तक अपडेट भी देते रहे, हमारी सबकी धड़कनें बढ़ी हुई थी। बार बार मैंने इसको कम से कम 20 बार उसे इन्फॉर्म किया क्या चल रहा है। मौजी से मेरी बीच में बात हुई, मौजी लगा रहा, रॉबी लगा रहा, बंटी हमारा साथी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, सचिन गालिब और हुसैन सुल्तानिया दो राजस्थान के हमारे साथी, हम सारे मिलके इनकी स्पेशल सिफारिश करेंगे चंडीगढ़ कांग्रेस की तरफ से। और जिस भी साथी ने जिस तरह से भी मदद की, मैं उस सब का शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सारे इसी तरह से सहयोग देते रहोगे। तेजस ने सोशल मीडिया में किया, मनीष पीछे खड़ा हमारा पुराना NSUI का साथी जो पिछली बार ज्वाइंट सेक्रेटरी बना था, तो आप सब पूरी बधाई के पात्र हो। उम्मीद करता हूं कि आप इसी तरह से कांग्रेस की मदद करते रहोगे। ये आपका कांग्रेस भवन है, जिस दिन मर्जी चाहे हॉल की जरूरत हो, दफ्तर की जरूरत हो, मेरे दफ्तर की जरूरत है, कोई यहाँ पे काम करना है, कुछ भी करना है, कोई प्रोग्राम करना है, कोई फंक्शन करना है, किसी भी तरह की तुम्हें पूरी सपोर्ट मिलेगी। और जैसा मैंने सचिन और मोहित जी को कहा था, एक बढ़िया पार्टी मेरी तरफ से जिस दिन बोलोगे। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।